And welcome to the channel. I am Mitali. I know that it's been a long while since I last uploaded a video on YouTube, but today I had a session which was called What Do Toppers Do Differently? So I thought that why not sum it up, the whole session which was 1 hour long, I thought why not sum it up into a small video and put it up on YouTube. So let's go. फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. बाय कंसिस्टेंसी आई मीन दैट कि तुम्हें अपने लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल तैयार करना है फॉर ईच एंड एवरी डे, एंड यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल वेरी डिलिजेंटली एंड वेरी एफिशिएंटली. ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि 2-3 दिन तो बहुत जोश जोश में 6-8 घंटे पढ़ाई कर ली, बट आफ्टर दैट तुम 10 दिन तक बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. नो मैटर तुम दिन के 5 घंटे ही पढ़ाई करो या 4 घंटे ही पढ़ाई करो, बट मेक श्योर कि वो 4 या 5 घंटे रेगुलरली रोज़ पढ़ाई हो रही हो. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्ड मी वॉज टू यूटिलाइज माई ब्रेक्स वेरी वेरी एफिशिएंटली. जो मैं करती थी वो ये कि जब हमें क्लास में ब्रेक्स मिल रहे होते थे, जैसे मैंने अपने टाइम टेबल वाले वीडियो में भी मेंशन किया था, मैं अपने क्लास के ब्रेक्स को ऐसे यूज़ करती थी कि जो मेरा क्लास का होमवर्क हो मैं अपना क्लास का क्लास में ही कंप्लीट कर लूँ, या फिर जो मेरे घर के भी ब्रेक्स होते थे जो मैं हॉस्टल में लेती थी, व्हाट आई यूज़ टू डू वाज मैं ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड चीज़ करूँ इन दोज ब्रेक्स. मैं ट्राई करती थी कि मैं कोई ऐसे यू नो क्रिएटिव से नोट्स बना लूँ, कलरफुल टाइप, या फिर आई यूज़ टू हैव दिस वेरी स्मॉल क्यूट पॉकेट डायरी विद मी ऑलवेज, जिसमें मैं वो सारे पॉइंट्स लिख के रखती थी जो मुझे लगता था मैं बार बार भूल जाती हूँ. तो आई यूज़ टू हैव विद मी ऑलवेज. तो मैं क्या करती थी, मुझे जब भी लगता था कि मैं फ्री हूँ या यू नो मैं टाइम पास कर रही हूँ, मैं वो पॉकेट डायरी निकाल के उन सारे पॉइंट्स को रीड करना स्टार्ट कर देती थी, विच यूज़ टू हेल्प मी अलॉट लेटर. द नेक्स्ट थिंग दैट हेल्प मी अलॉट आई वुड से was my funda of exploring and doing creative things with study. I used to experiment with it a lot. क्योंकि हम सबको पता है पढ़ाई something which is very boring, हमें interest नहीं आता है करने में. So what I used to do was, मुझे जितनी चीज़ें अच्छी लगती थी I used to include that in my study. Right from, मैंने कह लो कि मैंने बहुत सारे colorful चीज़ें experiment करी थी. मैंने अपने notes जब खुद बनाने start किए थे I used to make them so colorfully कि मुझे interest आया उसको पढ़ने में. I used to get these cute diaries जिनको पढ़ने में मुझे interest है, या फिर you know these colorful highlighters जिनसे मैं you know I get the vibe of studying. So these are the things that I used to do to make my study more and more effective and more fun for me. इसके अलावा मैं कहूँगी that what I used was NCERT को बार बार पढ़ने में मुझे बहुत laziness आती थी, बहुत आलस आता था. There are some chapters जिनको net हर बार पढ़ने में 1 ही घंटा लगता था. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, पर्टिकुलर चैप्टर हर बार इसको पढ़ने में 1 ही घंटा लगता है, स्पेशली एनसीईआरटी से. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने ये चीज़ सोची कि यार अगर मेरी वॉइस कहीं पे रिकॉर्ड हो जाए और मुझे यू नो उस रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड मिल जाए तो मैं उससे शायद मेरी हेल्प हो सकती है. सो व्हाट आई डिड वाज मैं अपना फ़ोन लेती थी, आई यूज़ टू प्लग इन माई ईयरफोन्स, मैं अपने ईयरफोन्स लगाती थी और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती थी अपने फ़ोन में. मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट में रहता था और मैं लाउडली पूरा चैप्टर बोल कर पढ़ती थी. तो उससे क्या होता था कि वो पूरा 1 घंटे का जो भी मैंने बोला वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता था. एंड द नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी पढ़ना है, अब अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का, मैं कहीं घूम रही हूँ, मैं पार्क में हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, व्हाट आई यूज़ टू डू वाज मैं चुपचाप से अपने फ़ोन में ईयरफोन्स मतलब अपने कानों में ईयरफोन्स घुसाती थी और मैं वो स्टार्ट कर देती थी. एंड द होल चैप्टर रिवाइंड्स, और उसको तुम चाहो तो हाई स्पीड पे भी सुन सकते हो, डबल स्पीड पे सुन लो, तो वो चैप्टर आधे घंटे में तुम्हारा पूरा हो जाएगा. एंड यू हैव टू डू एब्सोल्युटली नथिंग, तुम्हें सिर्फ सुनना है एंड बिंगो द चैप्टर इज़ डन. आई शो इट टू यू हियर. ये सारी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने करके रखी थी. मैंने सारे चैप्टर्स के लिए तो मैं नहीं कर पाई थी, बट दिस यूज़ टू हेल्प मी अलॉट. क्योंकि तुम सोचो तुम कहीं पार्क में टहल रहे हो, सामने वाला सोच रहा है कि तुम गाने सुन रहे हो, बट यू आर एक्चुअली स्टडिंग. सो दिस इज़ अ थिंग
जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी एंड आई यूज टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी. तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं करती थी टू मेक माई पढ़ाई अ लिटिल बिट मोर फन एंड टू ब्रिंग दैट स्पाइस इन इट. नाउ देर आर टाइम्स जब हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है. वी फील लाइक कि यार अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है. यू गेट दैट गिल्ट फीलिंग ऑल्सो कि यार हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं. तो वॉट आई यूज टू डू वॉज एट दीज पॉइंट्स विच हेल्प्ड मी वेरी मच. मैं कहूँगी कि मैं हमेशा इन पर्टिकुलर टाइम्स में पढ़ाई छोड़ दिया करती थी. आई यूज़ टू बी लाइक कि ठीक है अभी नहीं हो रही, आई लीव इट फॉर 1 आवर 2 आवर, जितना भी टाइम मुझे लगता है मेरे मूड को वापस से लिफ्ट अप होने में, आई लीव इट फॉर दैट टाइम. मैं अपना मूड वापस से लिफ्ट अप करूँगी एंड देन आई गेट बैक टू माई स्टडी विद डबल द एनर्जी. सो दिस इज़ वॉट आई यूज़ टू डू. तुम इस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें जो पसंद है वो करो, योर हॉबीज. तुम्हें गाने सुनना पसंद है गाने सुनो, डांस करना पसंद है डांस करो, पेंटिंग करो, वॉट एवर यू लाइक, जस्ट डू इट. हैव इट श्योर कि तुम्हारा मूड एकदम रिफ्रेश हो जाए एंड देन गेट बैक टू योर स्टडी. लास्टली वॉट आई वॉन्ट टू से इस पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल था वॉट डू टॉपर्स डू डिफरेंटली. What I really want to tell you guys is that कि टॉपर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मार्क्स ला के रैंक ला के नहीं बनते हैं. इट्स द होल जर्नी दैट मेक्स एनीबडी अ टॉपर. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे 2 साल की जर्नी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि मैं हर टेस्ट में टॉप करी हूँ या मेरा हर टेस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है. इवन आई हैव सीन फेलियर अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट दोज वर द टाइम्स व्हेन आई डिडंट गिव अप एंड दैट आई थिंक इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ टॉपर, दैट यू डू नॉट हैव टू गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई यूज्ड फॉर माई प्रेपरेशन. अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी थोड़ा हेल्पफुल लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई इफ इट वर्क्स फॉर यू ओनली देन. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई होप इट हेल्प्ड यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वीडियो सजेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ऑल माई लिंक्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू चेक out and I will see you again very very soon on the channel with more need related content. And if not with videos, I will definitely keep in touch with you guys with the YouTube stories from now. And yeah, stay safe, stay healthy, bye bye.